बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज मैं आप लोगों के लिए इन छोटे छोटे आलुओं से बनने वाली इतनी जबरदस्त, इतनी टेस्टी और इतनी शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि सिर्फ 2 से 3 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। और मजे की बात यह कि आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और किचन में गर्मी में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आपने लास्ट तक वीडियो को देखना, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। चलिए आपका टाइम जाया किए बिना अपनी जबरदस्ती और बिल्कुल न्यू रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होंगे 1/2 kg हमारे पास आलू हैं, और आलुओं का आप साइज देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा सा है। बिल्कुल इसी साइज में आप लोगों ने आलू लेने हैं। अब हम यहाँ पे इन आलुओं को सबसे पहले छील लेते हैं। अच्छे से आलुओं को छील लेने के बाद इन आलुओं की कटिंग होगी, सिर्फ एक आलू में से 2 पीस होंगे, ठीक है? ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में से आपने इनको कट कर लेना है। ये ले जी, आलुओं की माशाल्लाह जबरदस्ती कटिंग हो चुकी हुई है। दूसरी तरफ गैस पे रखेंगे 1 अदद सॉस पैन, और इसमें हम ये आलू ऐड कर देंगे जिनकी हमने कटिंग की हुई है। इनको हमने बॉईल करना होगा सिर्फ 70% तक। पानी ऐड कर देंगे इसमें, अब हम ढक्कन रख देंगे इसके ऊपर और इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। इतने में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें थोड़ी सी हौसला अफजाई हो कि आप हमारे साथ साथ हैं। ये ले जी, यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हुए हैं इसको कवर किए हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं आलू जो हैं वो 70% तक कुक हो चुके हुए हैं। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दूसरी तरफ जी गैस पे रखेंगे हम 1 अदद कड़ाही, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ये हमारे पास बटर है। आपके पास बटर नहीं है तो आप लोग कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। बटर को यहाँ पर हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका हुआ है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये आलू जिनको हमने बॉईल करके रखा हुआ था। इनको 2 से 3 मिनट तो हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसको हम कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम है। बेसिकली इन आलुओं को हमने यहाँ पे करना होगा थोड़ा सा क्रिस्पी, तो जब ये बटर में थोड़ी देर फ्राई होंगे तो ये बहुत जबरदस्त से क्रिस्पी हो जाएंगे। मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। 2 से 3 मिनट हो चुके हुए हैं कवर किए हुए, और इसकी साइड्स को हम चेंज कर देंगे ताकि ये हर तरफ से क्रिस्पी हो जाएं। ये माशाल्लाह हर तरफ से क्रिस्पी हो चुके हुए हैं और कलर भी इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन आने लग चुका हुआ है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये 1 टीस्पून के करीब हमारे पास ओरिगैनो है। बेसिकली ये अजवाइन के पत्ते होते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो आप स्किप कर दीजिएगा। 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक। नमक आप लोग ध्यान से ऐड करिएगा क्योंकि आलू भी जो है वो काफी नमकीन होते हैं। और ये 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। काली मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून जाएगा, और ये 1 टीस्पून इसमें जाएगा भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, इन स्पाइसेस की और अदरक लहसुन के पेस्ट की भी अच्छे से हम बुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हुए हैं इसकी बुनाई करते हुए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त से मसाला आलू जो हैं वो बनके तैयार हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 टेबल स्पून के करीब हमारे पास है लेमन जूस। इससे बहुत स्पाइसी सा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही ऐड कर देंगे हरा धनिया बारीक कट किया हुआ। और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये कितने जबरदस्त, कितने टेस्टी और कितने शानदार से बनके तैयार हुए। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मसाला आलू जो है वो बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार हो चुके हुए हैं। बहुत कम टाइम में बहुत कमाल की बन जाने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को अपने घरों में ट्राई करिएगा। मुझे 100% उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब करने में आप लोग आजकल बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।